माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अंग वस्त्र प्रदान करके उनका अभिनंदन करें। ये हमारी परंपरा का, संस्कृति का अंग है। जब हम किसी को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो अंग वस्त्र के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रेषित करते हैं। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि वो उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से पुष्प भेंट कर माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत करें, पुस्तक दें और फिर बुद्ध की प्रतिमा उन्हें आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए उपहार स्वरूप दें। साथ में इस पल के हमारे प्रदेश के मुखिया स्वागत कर रहे हैं, अंगवस्त्र, पुष्प और पुस्तक। अध्ययन में बहुत रुचि रही है माननीय राष्ट्रपति महोदय की। आज के इस युग में बुद्ध के दर्शन, उनके संदेशों को एकीकृत करने की बहुत आवश्यकता है। आप सब जोरदार तालियों के माध्यम से अपने हृदय की भावनाएं मंच तक पहुंचा सकते हैं। मेरे नागरिक अभिनंदन के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति श्री रमेश यादव जी, मंच पर उपस्थित सुरेश खन्ना जी, डॉक्टर पांडे जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, देवियों और सज्जनों, हम सब लोग इंसान हैं। जैसे ही मैं प्रवेश कर रहा था हाल के अंदर, तो मुझे भी ये दुखद सूचना मिली। मैं एक धर्म संकट में था कि मेरा अभिनंदन कार्यक्रम और उसी के साथ में ये दुखद घटना, वो भी अपने प्रदेश में, मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी आप सबकी भावनाओं का ध्यान में रखते हुए आपने जो स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैंने कहा कि मैं कुछ शब्द जरूर बोलूंगा, लेकिन हृदय इस दुखद घटना के प्रति मैं भी द्रवित हुआ। 22 लोगों की मौत एक बहुत बड़ी घटना, और उसमें इस प्रकार का जश्न हो, अभी भी मैं आप सबके सामने खड़ा हूं, लेकिन मैं सबसे पहले जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, मैं उन मृतकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करते हुए मैं आगे अपनी बात कहूंगा। जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ तथा राज्य की अन्य टीमें रेस्क्यू के कार्य में लग गई हैं, लोगों को बचाने का काम हाथ में लिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार नाव में लगभग 60 लोग सवार थे। ये बात सच है कि राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करने के पश्चात मैं अपने प्रदेश में आया हूं। गृह राज्य है, मातृभूमि वाला राज्य है, यहां ना आऊं तो शायद
ना मुझे प्रसन्नता होगी और ना आप सबको। बाईस करोड़ जनता, देश का भाग्य बदलने वाला प्रदेश, और ऐसे प्रदेश का मैं एक छोटा सा नागरिक पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर जो मंच पर बैठे हैं, जो सभागार बैठे हैं, मुझे लगता है कि शायद बहुतों के साथ में मुझे काम करने का सौभाग्य मिला किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में, और बहुत अच्छा लगता था। अंतर केवल यही है कि ये लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत एक असंभव भी एक संभावना बन जाती है, और शायद वही जो असंभव था आज तक, जैसा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने इस देश के नेतृत्व दिया है जब से देश आज़ाद हुआ। वर्तमान प्रधानमंत्री को लगा करके 9 प्रधानमंत्री दिए, ऐसा सौभाग्य किसी भी प्रदेश को नहीं मिला। लेकिन कभी न कभी एक बात कचोटती रहती थी कि कुछ दक्षिण के प्रांत हों अथवा पूर्वी प्रांत हों या अन्य कहीं के हों, हमारा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं बना, और वो मुझे लगता है कि शायद उत्तर प्रदेश की धरती का ये आशीर्वाद है जिसके कारण एक उत्तर प्रदेश का सपूत वहां तक पहुंचा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जिसमें जिसकी विरासत, जिसकी धरोहर इतनी समृद्धशाली, मुझे लगता है कि भारत का ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं होगा। और जब हम बात करते हैं, मुझे भी आप सबके सहयोग से या कहीं पूरे देश में भ्रमण करने का मौका मिला, तो मैं देखता था वो प्रदेश आर्थिक दृष्टि से जरूर विकसित हो चुके हैं, लेकिन कृषि योग्य जो भूमि है, जो भूमि हमारे उत्तर प्रदेश में है, वैसी जमीन और इतनी मात्रा में जमीन आपको किसी भी प्रदेश में नहीं। उस गौरव गाथा का मैं बखान नहीं करना चाहूंगा, संक्षेप में धर्म हो, अध्यात्म हो, सामंजस्य हो, इसका केंद्र रहा है उत्तर प्रदेश। एक ऐसा महामानव जिनको हमने भगवान राम भी कहा, वो भी इसी धरती से पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव जीवन के संचालन के लिए उच्च आदर्शों का मापदंड रखा। एक दूसरा महामानव जिसको हम कृष्ण के नाम से जानते हैं, जिसने कि कुरुक्षेत्र के मैदान में एक अध्यात्म का जीता जागता उदाहरण और इतना उच्च आदर्श मुझे लगता है कि शायद दुनिया में किसी ने नहीं रखा गीता के रूप में। ना जाने यहां कितने संत हुए, महात्मा हुए, संत महात्माओं की तुलना में यदि हम देखें, तुलसीदास हो, सूरदास हो, कबीर हो, संत रविदास हो, ना जाने ये भक्त कवि भी थे, और अंत में जहां का प्रतिनिधित्व माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, बाबा गोरखनाथ, ऐसे सिद्ध सिद्धों का प्रदेश ऐसा किसी दूसरे प्रदेश नहीं मिलेगा। ये धार्मिक दृष्टि से अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, चित्रकूट हो, सारनाथ हो, एक तो हमारी मुस्लिम विरासत कितनी समृद्धशाली, जिसमें कि हम फतेहपुर सीकरी
उसको हम भूल नहीं सकते। और इन सभी तीर्थ स्थलों से हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम परंपराओं का सूत्रपात हुआ। आज मैं गौरवान्वित हुआ जब मुझे सम्मान के रूप में भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई। भगवान बुद्ध का उत्तर प्रदेश से बहुत लगाव रहा, सारनाथ हो, कुशीनगर हो, अंतिम सांस उनकी यहीं पूरी हुई थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उन्होंने जो विश्व को जो एक शांति का मार्ग बताया और उसी को आधार बना करके, उनके उपदेशों का आधार बना करके डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की रचना की, प्रमुख शिल्पी के नाते, वो सब कुछ नहीं थी, प्रमुख शिल्पी के नाते उन्होंने जो संविधान की रचना की, यदि हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उनमें उन्हीं आदर्शों का उल्लेख किया गया है कि एक मानव सभ्यता का कैसे अधिक से अधिक हम अपने आचरण में ढाल सकें। और वो भारत को संविधान दिया। हम सब लोग, एक हमारा भी संवैधानिक पद है, माननीय राज्यपाल जी बैठे हुए, उनका भी संवैधानिक पद है, दूसरे संवैधानिक पद है, लेकिन वो पब्लिक से डायरेक्ट इलेक्ट होकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा कि उस संविधान की मर्यादा में हम सब देशवासी, हमारे अधिकार भी हैं, मौलिक अधिकार, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी, और उन कर्तव्यों में बार बार जो जिसका उल्लेख किया गया, जिसने मैंने पदभार संभाला था 25 जुलाई को, ठीक लगभग पौने दो महीने पहले, उसमें मैंने बहुत उल्लेख किया था कि ये देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम यहाँ जो मंच पर बैठे हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, आप जो वहाँ बैठे वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो फोटोग्राफर्स हैं, जो वीडियोग्राफर्स हैं, जो इस सभागार का जो संचालन कर रहे हैं, जो सभागार के बाहर एक चौकीदार है, जो बाहर पुलिस खड़ी हुई है, हर व्यक्ति का यहाँ एक शौचालय होगा, उसके बाहर भी कुछ न कुछ लोग तैनात होंगे, हर व्यक्ति का एक राष्ट्र निर्माता की भूमिका निभा रहा है। सही मायने में केवल हमें बोध होना चाहिए। यदि बोध होगा तो मुझे लगता है कि हम जो मानवीय दुर्बलताएं हैं उनसे हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे। ये बोध की कमी के कारण ही हम मानवीय दुर्बलताओं में फिसल जाते हैं। मुख्यमंत्री जी अपने प्रदेश के हैं, दिल्ली आते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है, मैं भी इस प्रदेश का हूँ, स्वाभाविक है, मेरी तमाम शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश की धरती का कुछ इस प्रकार का, जिसको हम कहें उर्दू का शब्द होता है कमाल, एक यहाँ पर 6 वर्ष में 12 वर्ष में प्रयाग में महाकुंभ होता, और महाकुंभ के बारे में केवल उत्तर प्रदेश और भारत के लोगों ने, बल्कि विश्व के न जाने कितने लोगों ने रिसर्च किया है कि आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या को मैनेज करना, इसके लिए यदि सरकार लगे तो संभव नहीं है। एक सरकार नहीं, दो सरकारें लग जाएं, वो व्यवस्था संभव नहीं हो सकती, और वो संभव होती है आस्था को, आस्था का संबल पर। यहाँ के न जाने कितनी इस प्रदेश की हैसियत जिनके रहे, कुछ नाम मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। पहले मैं भी जब बालकाल या स्टूडेंट्स लाइफ थी तो हम लोग पढ़ा करते थे कि इस दुनिया में 7 वंडर्स हैं, और उन 7 वंडर्स में एक ताजमहल हुआ करता, और सौभाग्य से देखिए पूरे देश में और कहीं नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में, वो भी आगरा में, एक तो ताजमहल एक वंडर्स आउट ऑफ 7 वंडर्स, लेकिन वो मोहब्बत की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है।
बहुत बड़ी मिसाल है। शायद जिसको कहते हैं कि समर्पण, वो समर्पण किया था शाहजहां ने, लगता है कि अपनी पत्नी के प्रति समर्पण किया था, लेकिन मैं कहता हूं उसने मोहब्बत के प्रति समर्पण किया। नजीर अकबराबादी, अकबर इलाहाबादी, जोश मलियाबादी, फिराक गोरखपुरी एक ओर तो दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी जिनको हम निराला कहते हैं, महान लेखक मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते थे, इस प्रकार की इन तमाम विभूतियों को उत्तर प्रदेश ने जन्म दिया। आधुनिक चिंतन और राजनीति की विभिन्न धाराओं को दिशा देने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, पुरुषोत्तम दास टंडन, दीनदयाल उपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण, इनके नामों को हम भुला नहीं सकते। ये उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास से जुड़े हुए। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सदैव अग्रणी रहा, सदैव। परिवर्तन आते हैं, मैं उसको कहता हूँ ट्रांजिशनल फेज होता है, और उसमें कभी हम ऊपर कभी नीचे जाते हैं, लेकिन जिन विश्वविद्यालयों का पूरे राष्ट्रीय, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि विश्व स्तर पर जो बहुत याद किए जाते थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर और आईआईएम लखनऊ जैसे शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। यहाँ पर हस्तशिल्प, लखनऊ का चिकन जहाँ हम लोग बैठे हुए, बनारस की साड़ी, मुरादाबाद का पीतल, अलीगढ़ के ताले, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद एक अवध क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, अवध का ये राजधानी रही है लखनऊ, और लखनऊ की एक बड़ी खासियत वाली एक तहजीब रही है, उसको हम लोग कहते हैं लखनऊ की तहजीब, और लखनऊ की तहजीब में पहले आप, ये पहले आप का कभी यदि हम विश्लेषण करें तो शायद ये हमें समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की के लिए एक प्रेरणा देता है, अर्थात अपने को पीछे और जो हमारे साथी हैं उनको आगे, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और उसके लिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ। यहाँ पर युवाओं की अनंत संभावनाएं, उन संभावनाओं को हमें तलाशना है। सरकार काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी, प्रधानमंत्री जी का विशेष उत्तर प्रदेश पर ध्यान रहता है क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन अंत में मैं एक बात जरूर कहूंगा और बार बार कहूंगा कि हम सबको जो राजनैतिक विरासत मिली है उत्तर प्रदेश के लोगों को, उनकी एक विचारधारा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन सबका गंतव्य एक ही रहा, सबका लक्ष्य एक ही रहा, उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश के साथ संपूर्ण भारत का विकास। और इसमें मैं विशेष रूप से इसी प्रदेश के निवासी, इसी प्रदेश ने जिनको प्रधानमंत्री, वो पहले प्रधानमंत्री थे, इस वैचारिक धरातल पर अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी सदैव एक जो कंपोजिट कल्चर की बात करते थे, वो चाहे हिंदू मुस्लिम का हो
या अन्य संप्रदायों से संबंधित हो। उस कंपोजिट कल्चर को बढ़ाते हुए उन्होंने हमेशा राष्ट्र धर्म को अर्थात राष्ट्र को सर्वोपरि प्राथमिकता दी। सरकार चले ना चले, सरकार बने ना बने, हम जहां भी हैं अच्छे हैं, लेकिन राष्ट्र हित की जो सर्वोपरिता है उसका हम कभी त्याग नहीं करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर हम सबको गर्व है। और इसी विनम्र निवेदन के साथ, अपना प्रदेश है, आता रहूंगा। मेरे योग आप सब लोग जानते हैं, संवैधानिक बाध्यताएं हैं, उन बाध्यताओं और मर्यादाओं में रह करके भी जो हो सकता है प्रदेश के लिए, यद्यपि मैं राष्ट्रपति पूरे देश का हूं, लेकिन मातृभूमि मेरा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तो स्वाभाविक है मातृभूमि के प्रति कुछ विशेष लगाव होता है। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, मुझे गौरवान्वित किया, मैं इसके लिए पुनः आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।